माँ लक्ष्मी ने किए भगवान नारायण से दो प्रश्न। प्रभु, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि संसार में जो दुरात्मा, जो अत्याचारी पापी लोग हुआ करते हैं, दुष्ट लोग हुआ करते हैं, वो सुखी क्यों रहते हैं? और प्रभु, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो धर्मात्मा, अच्छे संत आत्मा लोग हुआ करते हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? कैसा है तुम्हारी विधि का विधान? तो नारायण भगवान हंसने लगे हैं, बोले लक्ष्मी, इतने सुंदर प्रश्न किए हैं तुमने। अगर कलयुग में इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई सुनेगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। और दोस्तों, आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति भाव में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियाँ मुझे ही क्यों देते हैं? दुष्ट लोग इतने सुखी हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट क्यों भोग रहे हैं? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो मैं भी क्यों मानूं भगवान को, और क्यों उनका भजन करूं, क्यों उनको जपूं, क्यों उनकी करूं पूजा? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं, और ईश्वर तो निष्ठुर है। पत्थर की मूर्तियों में भगवान सिर्फ पत्थर के बनकर के रह गए हैं। ऐसे ऐसे आदि आदि आपके मन में प्रश्न जरूर आते होंगे, और ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं, खासकर तब जब वे लोग बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हुए, तो मनुष्य अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से ही व्यर्थ, यह सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं, आज हम उन्हीं के निदान के लिए और कुछ प्रयास करते हैं आपके इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए, कुछ प्रयास करते हैं। बस दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा कि जो कोई भाई बंधु माता बहना चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे। हे माँ लक्ष्मी, उनके और उनके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदैव वो लोग सुखी ही रहें। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे दोनों प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ मैं, अब ध्यान लगा करके सुनिएगा। नारायण भगवान माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा लक्ष्मी। बहुदक नामक एक तीर्थ स्थान था, और यहाँ नंदभद्र वैश्य रहा करते थे, धर्माचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े ही भक्त थे, और बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय ही कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। तो नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर के माल बेचा करते थे, क्योंकि वो वैश्य थे तो व्यापारियों का काम किया करते थे, हमेशा धन माल बेचा ही करते थे कुछ सामान, और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते थे, और जो कुछ भी मिल जाता उसी में नंदभद्र संतुष्ट रहते थे। मेरे भैया, नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। जब नंदभद्र का सदाचारी, संपन्न, सुखमय जीवन की प्रशंसा करते थे लोग। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला एक सत्यव्रत नाम का इंसान था, वो बड़ा ही नास्तिक और द्वाचारी था, बहुत ही बड़ा दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से मैं गिरा दूं। दोस्तों, भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी को, हे लक्ष्मी अब ध्यान लगा कर के सुनिएगा। वो जो सत्यव्रत नाम का दुराचारी आदमी पड़ोसी था, वो नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है, दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्य मान शोक नहीं किया, पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र की विपत्तियां आई देख करके उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो इसी फिराक में डूबा करता था। वो सोचने लगा है कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी उसने नंदभद्र को सांत्वना दे करके और देने का ढोंग करते हुए कहा है, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा या सुख उठाना पड़ रहा है, लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा है कि मैं तुमसे कहूँ, पर संकोच बस कहा नहीं मैंने आज तक। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो, वो सत्यव्रत समझा रहा है जो खुद नास्तिक था नंदभद्र को, कि जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी थे, वो भी बेचारे बीमार हो गए। भगवान है ही नहीं, और भगवान अगर होते तो क्या ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है नंदभद्र जी। तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़ करके आनंदपूर्वक खाओ पियो भोगो, और यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों पर नंदभद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हे लक्ष्मी,
अब आगे ध्यान लगा करके सुनना। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? और जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी दुखी होता है, दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं, लेकिन सूर्य को नहीं देख पाता, पर सूर्य तो है ईश्वर के बिना। और संसार में जब कोई ईश्वर को देख नहीं पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ना हो। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक करके पूछा, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर के याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठ करके चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदा शिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं आप कि आप आपके बनाए हुए संसार में सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों हैं? यह दोष रहित क्यों नहीं है? नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी नंदभद्र के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए उस अत्याचारी इंसान के कहने पर। नंदभद्र शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया, जब तक भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से कराह रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछड़ना, यानी अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है हमेशा। रोग और परिश्रम शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट से शारीरिक दुख होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर क्या किया जाए? नंदभद्र ने पूछा, बंधुवर, औषधि से शरीर कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही हमेशा दूर हुआ करता है। पर मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। अब बालक से ज्ञान भरी बात सुनकर के नंदभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं? जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए, भगवान के विधान में यह दोष क्यों है? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। वो छोटा सा बालक नंदभद्र नाम के वैश्य को समझा रहा है। हे लक्ष्मी, ध्यान लगा करके सुनना कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले पे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे एक पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोक का सुख भोग केवल इसी लोक तक है, अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लगे हैं। वो बालक समझाता है नंदभद्र को, सुनिएगा। और दूसरे लोग वे होते हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य हैं। और ही नहीं, वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज़्यादा कठिन होता है। तीसरे वे लोग होते हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है, और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हैं, तप कर्म से नए पुण्य बनाते रहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। चौथे वे होते हैं जिनके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में ही,
क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है ही नहीं और इस लोक में भी वे पुण्य कमा नहीं रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है, वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं और इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते हैं, जीवन बिता रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं और न जाने कितने जीवन ऐसे ही उनके बीतेंगे तब तक जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन प्राप्त न हो। इसलिए हे वैश्यवर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही बात को मन में न रखो, उन्हें तो अपने कान में ही प्रवेश नहीं करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाएं, जिससे आप जन्म के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। इस छोटे से बालक के मुख से और ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यमयी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बड़े प्रसन्न हुए हैं। उनका सारा भ्रम सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर के एकाएक होकर के पूछा, उस छोटे से बालक से आप कौन हैं, अपना परिचय दें। नारायण भगवान माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी वो वैश्य पूछ रहा है कि आप हैं कौन, अपना परिचय दें, आप यहाँ कैसे पधारे हैं, आपने मेरे सब संदेहों को दूर किया है, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ। बालक ने कहा, सुनिएगा, अगर आप मुझे पूछना चाहते हो मैं कौन हूँ, तो मैं पूर्व जन्म में अहंकारी पाखंडी व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं बरसों से नीच योनियों में भटक रहा हूँ और भटकता रहा। भगवान व्यासदेव की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मर जाऊँगा। आपसे केवल एक ही निवेदन है कि आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वैश्यवर, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं होता है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, ज्ञान किसी के भी पास आ सकता है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत कराना होता है, उसे चुन लेते हैं, वह कोई भी हो सकता है, जैसे मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित रोगी इंसान भी हो सकता है। अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना बता करके उस बालक ने सूर्य मंत्र का जाप आरंभ किया है और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्य ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। नंदभद्र जो वैश्य था, उसने विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव यानी भगवान भोले बाबा का साक्षात दर्शन किया है। स्कंद प्राण की इस कथा से आपके मन में बहुत से भ्रम दूर हो गए होंगे। ऐसी आशा है आपसे कि आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है, इसका भी संकेत मिला होगा। तो दोस्तों, नारायण भगवान ने माँ लक्ष्मी को बताया है कि केवल यही कारण होता है कि इस संसार में और जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं और पापी हमेशा सुखी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।